Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360, and I'm your host Ahmed Hamad. We have Pakistan versus West Indies second cricket test match. Kal Kingston Jamaica mein khatam ho gaya and Pakistan beat West Indies by 109 runs and thus leveling the two match series 1-1. And this is also a third time in a row that West Indies, after taking a 1-0 lead, were unable to clinch the series. 2005, 2011 and now 2021. ये तीनों वो ईयर्स हैं जिसमें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की सीरीज हुई और वेस्ट इंडीज़ ने सीरीज़ का पहला मैच जीत लिया, लेकिन पाकिस्तान बाउंस बैक एंड विनिंग द फाइनल टेस्ट मैच एंड लेवलिंग द सीरीज 1-1. और कल ऑन द फिफ्थ एंड फाइनल डे ऑफ द सेकेंड क्रिकेट टेस्ट मैच, वेस्ट इंडीज़ रिज्यूम देयर सेकेंड इनिंग्स एट द ओवरनाइट स्कोर ऑफ 49 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट. And they need another 280 runs with 9 wickets in hand. तो दोनों के लिए possibility थी कि अगर 98 overs West Indies की team batting करती और wickets in hand होती तो ये runs chase down भी कर सकती थी. और पाकिस्तान obviously 98 overs में you have to get 9 wickets, which they eventually at the end achieved the target. Match में इतने twist and turns आए कि आपको लग रहा था कि कहीं ये पिछले test match की तरह इसका रिजल्ट ना हो जाए और वेस्ट इंडीज़ जीत ना जाए या ये मैच ड्रॉ ना हो जाए. उसका रीज़न क्या है कि पाकिस्तान के फील्डर्स ने दो डॉली कैचेस छोड़ दिए बोथ बाय वन ऑफ दी ओपनर. दी अदर ओपनर्स जो हैं वो इमरान बट, वो कोई भी ऐसा कैच नहीं था कि जो वो पकड़ ना लें, वो हर कैच को पकड़ लेते हैं. लेकिन उनके पार्टनर जो हैं आबिद अली ड्रॉप टू डॉली कैचेस, वन ऑफ रॉस्टन चेज एंड दी अदर ऑफ काइल मेज. एक फास्ट बॉलर पे स्लिप में उन्होंने कैच छोड़ दिया और दूसरा उन्होंने नुमान अली की बॉल पे शॉर्ट लेग पे कैच छोड़ दिया. तो डाइंग मोमेंट्स ऑफ द मैच, और लग रहा था कि पाकिस्तान फिर ये ना हो कि वेस्ट इंडीज़ की विकेट्स बची रहें और मैच ड्रॉ हो जाए. लेकिन हैट्स ऑफ टू शाहीन शाह आफरीदी हु कैप्ट 6 विकेट इन द फर्स्ट इनिंग फॉर 51 रन्स एंड ऑल्सो अगेन इन द सेकेंड इनिंग्स कैप्चर्ड 4 for 43 एंड दस टेकिंग 10 विकेट्स इन अ मैच एंड वॉज जस्टिफाइड टू बी द मैन ऑफ द मैच एंड ऑल्सो with 18 wickets from two matches was declared man of the series as well. Shaheen Shah Afridi ki jitni tareef karun ke thoda sa isse pehle hum kahe ki agar South African series baat kare jisme one day aur T20 khele gaye to expensive sabit ho rahe the, wickets nahi le rahe the. Lekin bhai jab aap test cricket mein aate hain aapko thode lambe spells karne padte hain, usme aap obviously test aur T20 aur one day mein aap runs rokne ke liye बॉल कर रहे होते हैं. लेकिन टेस्ट क्रिकेट की टोटली डिफरेंट डायमेंशन है कि आपको विकेट लेनी है, और वो विकेट लेने के लिए जब उन्होंने पता है कि 3 स्लिप्स भी लगे हैं, शॉर्ट लेग भी आपने ले लिया, मिड विकेट बाउंड्री ले ली, स्क्वायर लेग बाउंड्री पे आपने फील्डर खड़ा कर दिया, तो आप ट्रैप कर रहे हैं बैट्समैन को कि आगे अगर बॉल कर रहा हूँ तो स्निक चाहिए विद स्विंग और बॉल टेकिंग एंगलिंग अवे फ्रॉम द राइट हैंडर, तो स्निक लग सकता है और स्लिप कॉर्डन हमने इसलिए प्लेस किया है. और दूसरा उनके पास जो एक आर्ट है जो कंप्लीट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो जाता है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर राइट हैंड बैट्समैन को जब एंगल के साथ बॉल को अंदर लेकर आता है तो वो एक कंप्लीट फास्ट बॉलर. उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा विकटें ली. यॉर्कर बॉल पे उन्होंने बोल्ड भी किए, लेग बिफोर भी किए, और कल भी हमने यही देखा कि उनकी विकटें जो थी वो राइट इन फ्रंट ऑफ विकेट थी, जैसा कैमरूच को हमने देखा. पाकिस्तान के पास अगर बॉलिंग की वैरायटी आप देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम मोहम्मद अब्बास जो सीम और स्विंग पे रिलाई करते हैं, देन वी हैव शाहीन शाह आफरीदी शेयर पेस, और उस पेस के बिना बदौलत वो क्योंकि बॉल को दोनों तरफ स्विंग भी कर रहे हैं, शॉर्ट पिच भी है. देन वी हैव हसन अली जो बहुत इंटेलिजेंट बॉलर है, एक कॉरिडोर में बॉल करते हैं और सरप्राइज उनका बॉल होता है कि वो शॉर्ट पिच कर लें या यॉर्कर कर लें, तो वो भी एक अच्छा एसेट है पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के लिए. देन वी हैव इन द आर्मरी इज फहीम अशरफ जो थोड़ी हार्ड लेंथ पे बॉल करते हैं कि बैट्समैन को बैक फुट पे भी जाना है या फ्रंट फुट पे आना है, वहीं पे कंफ्यूज रखते हैं, और लेकिन लाइन और लेंथ बड़ी डिसिप्लिन होती है. एंड टू ऐड ऑन दिस वी हैव लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नुमान अली जिनका एक्सपीरियंस इतना है, सबसे एजेड जो हैं जिन्होंने टेस्ट डेब्यू किया फॉर पाकिस्तान, अपने एक्सपीरियंस को बड़ा अच्छा उन्होंने यूटिलाइज किया. और मैं इसमें क्रेडिट दूंगा कैप्टन बाबर आजम को भी, और वो ये इसलिए कि आपने देखा थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच फास्ट बॉलर्स ही ऑपरेट करते रहे. लेकिन बाबर आजम का पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेरेमनी में ये कहना है कि जब विकेट को देखा गया लंच के बाद आके तो लग रहा था कि पैचेस बन गए हैं और विकेट थोड़ा सा ब्रेक भी होगा, और इसी को जहन में रखते हुए नुमान अली को लेकर आए और उन्होंने 3 क्रूशल विकेट्स हासिल की, और इस तरह पाकिस्तान जो पिछले टेस्ट मैच में स्पिनर्स
कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे, इसमें नुमान अली की 3 क्रूशल विकेट्स जो हैं वो पाकिस्तान की विक्ट्री में अहम रोल अदा किया उन्होंने। 2 विकेट हसन अली ने भी हासिल की। हसन अली निपी है, ऑफ द पिच बॉल स्किट करता है, आपको वैसे नहीं नज़र लगेगा कि इतने तेज़ बॉलर हैं, लेकिन 140 प्लस बॉल कर लेते हैं, तो ये एक सरप्राइज होता है बैट्समैन के लिए। तो विद 9 विकेट्स इन हैंड एंड चेजिंग 280 रन इन द फाइनल डे, 98 ओवर्स ऑलमोस्ट रहते थे, वेस्ट इंडीज़ अचीव कर सकता था, लेकिन इतनी कमज़ोर बैटिंग लाइनअप वेस्ट इंडीज़ की, टेम्परामेंटली भी और वैसे टेक्निक भी देखी जाए तो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सकते, 20-30 रन बना लेते हैं और उसके बाद बड़ी इनिंग कन्वर्ट नहीं करते और विकेट थ्रो कर देते हैं। यही इशू है वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट क्रिकेट में कि बैट्समैन जो हैं वो सब्सटेंशियल इनिंग नहीं खेल पाते, 100-150, जिसकी वजह से उनका फर्स्ट इनिंग या सेकेंड इनिंग टोटल जो है वो 300 प्लस नहीं होता, 350 नहीं होता। देखा कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन 165 से ऊपर उन्होंने रन नहीं बनाए, ऑल्दो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इस इनिंग में 200 रन बना पाए। पाकिस्तान वर 2-for-3 इन जस्ट अंडर 4 ओवर। ये वो टाइम था कि अगर ये पार्टनरशिप ना होती तो पाकिस्तान शायद 100 के अंदर भी आउट हो सकता था और वेस्ट इंडीज़ ये टेस्ट मैच भी जीत सकता था, लेकिन फिर भी बात है कि एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छी टेक्निक होने की वजह से, टेम्परामेंट अच्छा होने की वजह से दोनों ने विकेट पे स्टे किया और फिर उसके बाद से रन्स बनाने शुरू किए और पाकिस्तान का टोटल 302 तक ले गए। बात करूँ पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की, फिर इसके बाद हम यही कह रहे थे कि अगर आपने 302 रन्स बना लिए, अब मैच जीतने के लिए यहाँ पे आपका रोल ख़त्म नहीं हो गया, आपको वेस्ट इंडीज़ को फर्स्ट इनिंग में छोटे टोटल पे आउट करना है, विच इवेंचुअली पाकिस्तान डिड और पाकिस्तान बोल्ड आउट वेस्ट इंडीज़ फॉर जस्ट 150 रन एंड टेकिंग अ लीड ऑफ 152, जो एंड ऑफ द डे डिसाइसिव साबित हुई कि 152 रन की लीड लेने के बाद पाकिस्तान बैटेड इन द सेकेंड इनिंग्स एंड स्कोर्ड 176 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट in 27.2 overs and then setting a target of 329 runs for the West Indies. aur Pakistan ki planning badi achhi thi. fourth day end of play pe Pakistan ne West Indies ko engage kiya batting ke liye aur 18 overs unko batting karai, jisme se ek wicket Pakistan ko mili wo bhi run out ke through, luckily for Pakistan. lekin next morning West Indies ko ek uphill task tha ke to get 280 runs or to survive 98 overs of the day. दोनों बहुत मुश्किल था कंसिडरिंग वेस्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप, उसको देखते हुए ये इम्पॉसिबल ही था। और क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर है वेस्ट इंडीज़ के ऊपर कि शुरू अर्ली ऑन पाकिस्तान ने जब विकेट्स ले ली शाहिन शाह अफरीदी और हसन अली ने, शाहिन शाह अफरीदी की बात करूँ कि शॉर्ट पिच बॉल पर भी उन्होंने नाइट वॉचमैन जो थे अलजारी जोसफ उनको आउट किया, फिर कॉट बिहाइंड करते रहे, फिर लेग बिफोर करते रहे, तमाम अपनी बॉलिंग स्किल्स को उन्होंने अप्लाई किया और विकेट्स लेते रहे पाकिस्तान के लिए। 4-for-43 बेहतरीन बॉलिंग और उनका एबली सपोर्टेड बाय नुमान अली हु गेट 3 विकेट्स एंड हसन अली हु 2 विकेट्स। तो ये तीनों बॉलर्स पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान को सीरीज लेवल करने में कामयाब हुए और पाकिस्तान की तरफ से 2 सब्सटेंशियल परफॉर्मेंसेज हैं, one from Fawad Alam who scored 124 runs unbeaten and the other from Shaheen Shah Afridi who captured 10 wickets in a match. तो दोनों मैच विनिंग है, joint man of the match भी दिया जा सकता था, लेकिन खैर टेस्ट क्रिकेट में विकेट्स लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा जाता है 20 विकेट्स इन अ मैच, तो इसलिए शाहिन शाह अफरीदी को जिन्होंने हाफ ऑफ द विकेट्स 20 में से 10 विकेट्स लिए मैन ऑफ द मैच और सीरीज़ में 18 विकेट्स हासिल किए तो मैन ऑफ द सीरीज करा दिया। आप थोड़ा सा और आपको बताता चलूँ कि पॉइंट्स वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो हो रही है जिसका स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान जिसने पहला मैच हारने के बाद 12 पॉइंट लूज किए थे और ये दूसरा टेस्ट मैच जीत कर पाकिस्तान ने दोबारा 12 पॉइंट्स गेन कर लिए, तो पाकिस्तान आर एट सेकेंड प्लेस विद 12 पॉइंट्स प्लेइंग 2 मैचेस विनिंग 1 एंड लूजिंग द अदर 1। इसी तरह इंडिया आर एट द टॉप ऑफ द टेबल 14 पॉइंट्स विनिंग 1 टेस्ट मैच ऑफ द 5 मैच सीरीज, 2 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं इंडिया और इंग्लैंड के जिसमें पहला ड्रॉ हुआ दूसरा इंडिया ने जीत लिया, तो दे हैव 14 पॉइंट्स। और नंबर 3 पे वेस्ट इंडीज़ है जिसने पहला टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान जीता, दे हैव 12 पॉइंट्स। अगर नंबर 4 की बात करूँ तो इंग्लैंड आर एट नंबर 4 विद जस्ट 2 पॉइंट्स, क्योंकि एक मैच उनका ड्रॉ हुआ था उससे उनको 2 पॉइंट्स मिले।
तो ये इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का पॉइंट्स टेबल है, लेडर चार्ट है कि इंडिया एट द टॉप, पाकिस्तान एट नंबर टू, वेस्ट इंडीज़ नंबर थ्री एंड इंग्लैंड आर एट नंबर फोर। अब इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में अगर मैं टॉप विकेट टेकर्स की बात करूँ तो शाहीन शाह अफरीदी विद 18 विकेट्स इज एट नंबर वन, फॉलोड बाय जसप्रीत बुमराह ऑफ इंडिया 12 विकेट्स एंड जेडन सीज ऑफ वेस्ट इंडीज़ विद 11 विकेट्स इज एट नंबर थ्री। और इसी तरह अगर बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग पे नंबर वन पोजीशन पे है इंग्लैंड कैप्टन जो रूट विद 386 रन्स एट 128 रन्स पर इनिंग, और नंबर टू पे है इंडिया के एल राहुल, उसको 244 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 61 रन्स पर इनिंग। थर्ड इज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम, हु स्कोर्ड 193 रन्स in four innings at an average of 48.25. and on the victory note of Pakistan leveling the series, we come to the end of our show. Till our next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world.